मॉडल्स इंग्लिश में मूड दिखाती हैं, किसी काम को करने का नजरिया दिखाती हैं। मैं वहां जा सकता हूं, मुझे वहां जाना चाहिए, मैं वहां जाऊंगा या देखूंगा या जाना चाहिए था, अरे हम लोग तो जाते थे। आई कैन गो देयर, आई शुड गो देयर, आई मस्ट गो देयर, आई यूज टू गो देयर, आई विल गो देयर, आई शैल गो देयर। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दे फॉलो बेयर इन्फिनिटिव, और मॉडल्स के साथ सब्जेक्ट की डिपेंडेंसी नहीं होती। यानी अगर आप आई शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, वी शुड गो देयर, शी शुड गो देयर जैसा कोई भी स्टेटमेंट कहते हैं तो सब्जेक्ट चेंज करने से, नंबर चेंज करने से, जेंडर चेंज करने से मॉडल्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, दिस इज कपिल देव शर्मा एंड आई वंस अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। This is the ninth video of verbs in English. लेकिन हाँ, noun पूरी पढ़ाई जा चुकी है, separate playlist है, आप check कर सकते हैं। Pronoun पूरी पढ़ाई जा चुकी है, separate playlist है, आप देख सकते हैं। Adjectives, articles और verbs की भी individual playlist हैं, आप उनको check कर सकते हैं। Apart from this, RCs, parajumbles, sentence rearrangement, close test और वोकैबुलरी, वन वर्ड्स, idiom phrases, रूट वर्ड्स की भी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, आप उनको सेपरेटली मेरे चैनल पर जाकर स्क्रॉल करके प्लेलिस्ट के सेक्शन में पा सकते हैं। तो हर चीज के लिए वीडियोस हैं। स्पोकन इंग्लिश का बहुत जल्द कोई वीडियो रखूंगा, वेरी सून। वर्ब्स के चैप्टर में जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, उन 8 वीडियोस का एक क्विक ओवरव्यू जहां तक हम चले हैं इन जनरल। इन द वेरी फर्स्ट वन आई गेव यू इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश, किस किस तरह से वर्ब्स को बांटा जा सकता है। सेकंड वीडियो में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की बात की, मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स का पहला हिस्सा, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, किसके साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, किसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आते। उसके बाद उन्हीं चीजों को मोस्ट कंफ्यूजिंग पेयर्स में समझाया जो आपके डेली यूसेज और एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी है, और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स इन इंग्लिश जो हमें रोजाना काम आती हैं, एग्जाम में भी काम आती हैं, जिनकी एरर डिटेक्शन अक्सर पूछी जाती हैं, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पेयर्स के हिसाब से एक और लिस्ट आपको शेयर की जिसमें कि होमोनिम्स, पैरानिम्स, यानी कई शब्द जिनकी स्पेलिंग सेम है, मीनिंग अलग अलग है, कई ऐसे जिनको पैरानिम्स में आप रख सकते हैं, ऐसे कई वर्ड्स की लिस्ट आपको 3 वीडियोस में शेयर की थी। और पिछले 6th, 7th और 8th वीडियो में ऑक्सिलरी वर्ब्स को पिक किया जिसमें पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी जो 3 होती हैं, इंग्लिश में बी को प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह इस्तेमाल करते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बींग फॉर्मुलेशंस, सारी चीजें आपको मार्क की। इंग्लिश में हैव प्राइमरी ऑक्सिलरी हो सकती है, हैव हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है, बी के साथ भी यही कहानी है, कब उसे हेल्पिंग वर्ब मार्क करना है, कब उसे मेन वर्ब मार्क करना है, और 2 बार हेड कैसे आ सकता है, ऐसी कई चीजें उस वीडियो में। और लास्ट वीडियो में जहां पर डू का इस्तेमाल आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और डू एम्फेसिस के साथ भी दिखाया कि कैसे किसी स्टेटमेंट पर जोर डालने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए भी इंग्लिश में डू का इस्तेमाल होता है। और उसी वीडियो में इन तीनों चीजों को मार्क किया कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज को इंग्लिश में रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रिपीटेशन अवॉइड करना होता क्या है, आप लास्ट वीडियो से चेक कर सकते हैं, आपके डेली लाइफ प्लस स्पोकन के पार्ट में भी वो चीजें काउंट होती हैं। इन दिस वीडियो आई विल बी गिविंग यू वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश। हाँ जी, मेरी तरफ से नेक्स्ट टॉपिक मॉडल वर्ब्स का है। भाषा को पढ़ने का अलग अलग सबका नजरिया होता है। मेरी तरफ से टेंसेस भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सोचा तो था कि टेंसेस स्टार्ट कर लूं, लेकिन आप में से कई लोगों की रिक्वेस्ट के हिसाब से पहले एक बार बेसिक्स क्लियर करने के लिए, बिकॉज मैंने कई वीडियोस में कहा होगा या वापस कह दूं, मेरे टेंसेस बहुत ऑकवर्ड होंगे, जिसको अच्छे लगेंगे तो पर बहुत अच्छे लगेंगे, और जिसको नहीं समझ में आया तो फिर ये क्या था, आपने पढ़ा भी दिए टेंसेस, ये मेरा हमेशा का फीडबैक है। तो टेंसेस से पहले एक बार बेसिक्स और क्लियर कर लेते हैं मॉडल वर्ब्स के सहारे। और एज ऑलवेज डायरेक्टली हेडिंग लिखना कि लिखिए यूज ऑफ कैन और कुड, शैल और शुड, बच्चे नहीं है, हम सब जानते हैं मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं इंग्लिश में, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इन सबको मॉडल्स में रखा जाता है। मेरा हमेशा एक पहला क्वेश्चन रहा है, जब मैंने इनिशियल वीडियोस अपलोड किए थे, पहला टॉपिक उठाया था कि नाउन इंग्लिश में क्या होती है, तो मैंने तो नहीं कहा नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि नाउन शब्द कहां से आया। आगे चलते चलते ऐसे कई एग्जांपल्स में जब आपको डिग्रीज पढ़ाई तो मैंने यही एग्जांपल दिया, डिग्री एडजेक्टिव्स की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। डिग्रीज आपकी पुलिस के टॉर्चर में भी हो जाती है, थर्ड डिग्री, डिग्री मैथमेटिक्स के एंगल्स की भी होती है, टेम्परेचर के लिए भी डिग्री होती है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और पढ़ाई लिखाई की डिग्री भी है। इनको बेसिक में क्या देखा जा सकता है, बेस फंक्शन क्या है, तो मेरा हमेशा का वही क्वेश्चन है। एक छोटी सी चीज बीच में मार्क कर दूं,
कि हाँ पिछले कई दिनों में कुछ वीडियोस आए कुछ वीडियोस नहीं आए, ग्रामर का कोई वीडियो नहीं था, आरसी के मैंने कई वीडियोस डाले, पैराजम्बल्स के वीडियोस डाले थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के वीडियो डाले, क्लोज टेस्ट के भी वीडियो डाले, तो कुछ लोगों का कहना ये वीडियो अपलोड कीजिए, कुछ लोगों का कहना वो वीडियो अपलोड कीजिए, सबको सेटिस्फाई तो नहीं कर सकता, कोई स्टूडेंट है कोई स्पोकन का है। आशा रखता हूँ कि आप सबकी नीड्स को थोड़ा थोड़ा देखते हुए मैं आपसे आगे जरूर चलता रहूंगा। और एक कॉमेंट जो मुझे बहुत अच्छी लगी अपार्ट फ्रॉम मैनी कि आप अपने वीडियो में शुरू में बोल दिया कीजिए, अगर आप में से कोई नए हैं तो ये मैसेज आपके लिए है कि अगर आपको चीजें डिटेल में पढ़नी है तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज लेंथी जरूर होगा, लेंथ ज्यादा हो सकती है। अदरवाइज उन्होंने बहुत अच्छा लगा था, लिखा था कि YouTube पर 5 मिनट में ग्रामर पढ़ाने वाले बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, कि सिर्फ 5 मिनट में एरर डिटेक्शन, 2 मिनट में, 0.5 सेकंड्स में ये मार्क कीजिए, तो माफी चाहूंगा। अगर आप में से कोई नया है या फिर कभी भी जो मेरे चैनल पर रेगुलर नहीं है वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो टू बी ऑनेस्ट आप इसको लेंथी देखेंगे माना, लेकिन कई इन डेप्थ चीजें जरूर सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, काफी बोल लिया मैं भी। मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश, प्रोनंसिएशन इसका कई लोग मॉडल बोलते हैं, हमारे दिल्ली में भी कई टीचर्स इसको मॉडल साउंड देते हैं। मुझे फोनेटिक सिंबल्स आते हैं कि लैंग्वेज के साउंड होते क्या हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों, मुझे इसका मॉडल साउंड कहीं भी नहीं मिला। तो अगर आप में से कोई जानता हो तो प्लीज बता दीजिएगा, फोनेटिक सिंबल्स के आधार पर इसे मॉडल नहीं बोला जाता, तो मैं मॉडल वर्ब ही कहूंगा, माफी। मॉडल लोग क्यों बोलते हैं मुझे उसका रीजन नहीं पता। मॉडल वर्ब्स को पढ़ना के हेडिंग लिखिए कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड से पहले मेरे पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए हिंट भी रहेंगी कि मॉडल्स इंग्लिश में होती क्या है, क्यों इनका इस्तेमाल किया जाता है और क्या क्या फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं। इसीलिए मैंने इसका टाइटल जरूर रखा है इंट्रोडक्शन टू मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश, जिसके बेस में आप ये जरूर कह सकते हैं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर देखिए कि आई ब्लैंक स्पेस गो देयर, मैं इसको लिखकर दिखाता हूं, एक सेकेंड जी। तो ये एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि आए, आप इसमें बीच में ब्लैंक स्पेस मान सकते हैं, गो देयर। और मैं आपसे पूछूं, बिकॉज मॉडल वर्ब्स दो ही चीजों के लिए काम आती हैं, या तो स्पोकन के लिए हमें अपनी भाषा को बेहतर बनाने के लिए मॉडल सिखाई जाती हैं, या फिर एग्जामिनेशन में इनका वेटेज होता है, मैं दोनों को काउंट करके चलूं। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर यहां पर ब्लैंक स्पेस है फिर आप जो भी रखेंगे वो आपकी चॉइस होगी, जो भी आपका परसेप्शन है जिस हिसाब से आप मॉडल्स को पिक करते हैं। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर मैं यहां पर कोई मॉडल रखना चाहूं कि आई कैन गो देयर है, कुछ मीनिंग है इसका, आई मे गो देयर बिल्कुल मीनिंग है, आई विल गो देयर, आई शैल गो देयर, आई यूज्ड टू गो देयर, आई नीड गो देयर या डेयर गो देयर, सारी मॉडल्स यहां पर लिखी जा सकती हैं, आई शुड गो देयर, आई मस्ट गो देयर, आई ऑट टू गो देयर, कुछ भी ऐसा। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर मैं इस स्टेटमेंट में मॉडल ना लिखूं तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या यह स्टेटमेंट ग्रामेटिकली गलत होगा कि अगर मैं यहां पर आई शुड गो देयर में से शुड हटा दूं तो आई गो देयर को आप स्कूल मान लीजिए, ऑफिस मान लीजिए, जो आप चाहें, ये भी तो सही है, आई गो टू स्कूल या आई गो देयर मैं वहां जाता हूं, ये भी तो ठीक है। आप जज कीजिए किसी भी स्टेटमेंट से, अगर आप जनरली इन शब्दों को पिक मत कीजिएगा, बट एक जनरल थीम रखना चाहूं कि इंग्लिश में मॉडल्स शब्द का मतलब क्या है, मॉडल्स पढ़ाई क्यों जाती हैं और क्यों मॉडल्स को हम लोग पढ़ते हैं, क्यों इनका इंपॉर्टेंस बोलचाल की भाषा में ज्यादा है, प्लस एग्जामिनेशन में भी इनका वेटेज होता है। आई रिपीट, इस एग्जाम्पल में लगभग सारी मॉडल्स प्लेस की जा सकती हैं कि आई कैन गो देयर, आई कुड गो देयर, प्रेजेंट पास्ट जैसे आप जानते हैं, थोड़ा बेसिक हम सबको पता है, आई मे गो देयर, आई माइट गो देयर, आई शैल गो देयर, आई शुड गो देयर, आई विल गो देयर, आई वुड गो देयर या आई यूज टू नीड देयर, सब कुछ आ सकता है। और अगर मैं यहां से मॉडल हटा भी दूं तब भी ये ग्रामेटिकली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो फिर एक पहला क्वेश्चन आता है, मॉडल्स को सेंटेंस में हटाने से जब ग्रामर गलत होती ही नहीं है जनरली, तो फिर मॉडल्स का इस्तेमाल क्या है, क्यों इंग्लिश में मॉडल वर्ब्स को रखा जाता है। और इसका आंसर काफी टाइम बाद जरूर मिला मुझे, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूं। जैसे कई लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि आज होगा पोस्टमार्टम इसका, आज होगा पोस्टमार्टम बी और डू का, वर्ब्स का, तो हां जी आप वही पोस्टमार्टम मान लीजिएगा। कई बेसिक्स, कैन कोड क्या होता है वो सब जानते हैं, आगे और वीडियो में पढ़ लेंगे, शायद ये चीज हम में से कई लोग ना जानते हो कि इंग्लिश में मॉडल्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वेदर इन टर्म्स ऑफ स्पोकन या फिर आपके कॉम्पिटेटिव इंग्लिश या फिर एग्जामिनेशन के लिए। आप यहां कुछ भी मॉडल रखिए, तो मैंने जो हेडिंग लिखी है कि मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश बेसलाइन है, कई बार समझा दूंगा, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में मॉडल वर्ब्स हमेशा मूड दिखाने का काम करती हैं, या फिर आप उसे अपना एटीट्यूड भी कह सकते हैं। एटीट्यूड ये नेगेटिव नहीं है कि उसमें बहुत एटीट्यूड है, एटीट्यूड आपकी बुद्धिमत्ता को भी कहा जाता है, इंटेलिजेंस को भी कहा जाता है, और आपका मैं हिंदी बोलूं तो नजरिया कहने का काम जरूर हो सकता है। आई रिपीट, इंग्लिश में मॉडल वर्ब्स पढ़ते क्यों हैं? मैंने आपको कई बार कहा होगा, वॉइस नरेशन मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी ग्रामर अपलोड करूंगा,
सेम क्वेश्चंस तो जरूर पूछे होंगे, भाई माना कि ऐसे ऐसे एक्टिव बन जाता है, ऐसे ऐसे पैसिव बन जाता है, या फिर इस तरह हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कह लेते हैं, उनका भी रीजन दिया था, ट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव क्यों कहते हैं, इंट्रांजिटिव को इंट्रांजिटिव क्यों कहा जाता है, या आगे पढ़ेंगे कि डायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं। सेम क्वेश्चन यहां पर है कि मॉडल्स को आप पढ़ते क्यों हैं, क्या फंक्शन है, भाषा में मॉडल्स को इजाद क्यों किया गया, क्यों इनको एक नया चैप्टर बनाकर लिखा गया, या ऐसी जरूरत पड़ी। मॉडल्स एक्सप्रेस मूड इन इंग्लिश, आई रिपीट, मॉडल्स एक्सप्रेस या फिर मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेस मूड इन इंग्लिश। अब मूड से मेरा मतलब वही है, आपके एटीट्यूड से या फिर आपके बात को कहने के या लिखने के नजरिए से भी डिपेंडेंट हो सकता है। मतलब जज कीजिए, जैसे आप सब जानते हैं, कई बार कह दिया मैंने, आई कैन गो देयर, आई कुड गो देयर, मे माइट शैल शुड सब आ सकता है। जरा नजरिया चेक कीजिए, मैं यहां से मॉडल हटा दूं, आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं, पॉसिबल है, ग्रामेटिकली 100% सही है बिना किसी मॉडल के। यार मेरे दोस्त की शादी है, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो देयर। मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मुझे हर कीमत पर जाना पड़ेगा, आई मस्ट गो देयर। सिर्फ मेरा नजरिया चेंज हुआ, एक नॉर्मल फ्रेंड है और एक बेस्ट फ्रेंड है, आई शुड गो देयर। हाँ यार दोस्त तो है मेरा, जाना तो चाहिए, चलो देखेंगे फिर, मेरा बेस्ट फ्रेंड है भाई, मुझे तो जाना पड़ेगा, मैं नहीं, छुट्टी लेनी पड़ेगी मुझे इस बारे में, आई मस्ट गो देयर। मेरे भाई की शादी है, मेरा कर्तव्य बनता है, मैं जाऊं ना जाऊं उससे कोई शादी नहीं रुकने वाली, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि मुझे वहां पर जरूर जाना चाहिए, आई ought to go there। आपने भी पढ़ा होगा ought to हमेशा आपकी इन कस्टम्स के लिए, नैतिक चीजों के लिए हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, मोरल ड्यूटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो I should go there सही है, मेरा नजरिया अलग था। दोस्त की शादी है, बेस्ट फ्रेंड की शादी है, जैसे देश की रक्षा की जब बात आती है तो वी शुड प्रोटेक्ट नहीं, वी मस्ट, वी ought to, वी विल नहीं, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेशन। सिर्फ आपका नजरिया चेंज हुआ। अच्छा दूर शादी, यार गुजरात में शादी है, जाओगे कि नहीं जाओगे, तो यार हो सकता है चले जाएं, चलो देखेंगे यार उसी हिसाब से, तो जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते, आपको पता होगा मे का इस्तेमाल संभावना दिखाने के लिए करते हैं, पॉसिबिलिटीज के लिए करते हैं, वी या फिर आई मे गो देयर, हो सकता है चला जाऊं, हो सकता ना जाऊं, पॉसिबिलिटी आ सकती है। चेंज क्या हुआ, सिर्फ मेरा नजरिया बात को कहने का या लिखने का। भाई मेरे पास तो कार्ड है, मैं तो जा सकता हूँ, तुम नहीं जा पाओगे, तुम्हारे पास कार्ड नहीं है, आई कैन गो देयर, मैं तो जा सकता हूँ, जब चाहूँ तब जा सकता हूँ, मेरे पास पास है फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास नहीं है, यू कैन नॉट गो देयर, तुम नहीं जा सकते। सिर्फ मेरा नजरिया चेंज हुआ कि मेरे पास पास है या फिर कार्ड है, मैं जा सकता हूँ, आप नहीं जा सकते, आई मे गो देयर संभावना, आई कैन गो देयर मेरी कैपेबिलिटी के लिए भी कहा जा सकता है, I must, should, ought to मैं आपको बता चुका, shall और will आप पढ़ेंगे डिटेल में, आप भी जानते होंगे साधारणतः I के साथ shall यूज करते हैं, first person I और we के साथ, बाकी सबके साथ हमेशा will यूज किया जाता है। तो इस संडे यार फ्री हो तो चलना यार, शॉपिंग करने चलते हैं, देखेंगे फ्री हुए तो चलेंगे, कोई बात नहीं, देखेंगे, मतलब पक्का नहीं कह सकता लेकिन हाँ चलूंगा, I shall go there मेरा नजरिया। अरे भैया मेरा इंटरव्यू है इस बार संडे को, मुझे इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना है, तो वहां पर मैं आई शैल नहीं लिखूंगा, ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए कि हर कीमत पर मुझे जाना पड़ेगा, आई विल गो देयर। अब आई शैल भी ग्रामेटिकली सही है, आई विल भी ग्रामेटिकली सही है, लेकिन मेरा नजरिया चेंज हुआ। शॉपिंग करने की बात है तो इस संडे ना होकर मैं अगले संडे या फिर अगले महीने भी जा सकता हूं, लेकिन अगर मेरा इंटरव्यू है तो मुझे हर कीमत पर वहां पर पहुंचना होगा, आई विल गो देयर फॉर कंपल्शन या फिर आई शैल गो देयर इन अ जनरल मैनर। क्या जरूरत थी वहां जाने की, हाउ डेयर यू गो देयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की, हाउ डेयर यू गो देयर, तो आप यहां पर डेयर भी लिख सकते हैं, और क्या जरूरत थी नीड भी लिखी जा सकती है। अच्छा खेलने, अरे वहां तो अब पार्क बन गया, जब हम लोग छोटे थे तो वहां पर खेलने जाया करते थे, पास्ट की आदतों को दिखाने के लिए इंग्लिश में यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, तो आई यूज्ड टू गो देयर भी पॉसिबल है, आज स्कूल थोड़ी जाते हो, बच्चे हो क्या, बचपन में स्कूल जाते थे, वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। और अगर कल तुम आ जाते तो मैं वहां चला जाता, इफ यू हैड कम हियर आई वुड हैव गॉन देयर, वुड पास्ट में संभावना आप लोग जानते होंगे। एक बार वापस कहना चाहूं कि इस चीज को हम रटते क्यों हैं, डायरेक्टली सर कैन का यूज भी तो कर सकते हैं, सर कुड का यूज भी तो कर सकते हैं, फाइन वो छोड़ दीजिए, पहले ये देखिए अगर आपको वही डिटेल में चीजें देखनी है जो मेरे कई लगभग सबको देखनी होती है, इसलिए आप लोग मेरे साथ हैं। तो वापस कहना चाहूंगा कि मॉडल्स को रटने से अच्छा कैन कुड मे माइट शैल शुड पहले ये पढ़ो कि साधारण किसी स्टेटमेंट से मॉडल को हटा भी दूं
तब भी सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, फिर इनका इस्तेमाल कहां पर है। ये मैंने सिर्फ आपको स्पोकन का नजरिया दिया, जो लोग मुझसे जुड़े हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, कि जब हमें अपनी बात कहनी होती है तब हम अपने किस तरह नजरिए को दिखा पाते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है, मॉडल्स को रटने से अच्छा एक बार इस तरह से देखिएगा कि मेरा परसेप्शन क्या है, तुम जा रहे हो कि नहीं जा रहे यहां से। हो सकता है मैं थोड़ा सा रूड हूं, एरोगेंट हूं इस जगह पर, भैया आप मेरे लिए एक ग्लास पानी ला सकते हैं, ये मेरा पोलाइट बिहेवियर हो सकता है। तो वहां पर मुझे कौन सी मॉडल यूज करनी है, पानी ले आओगे कि नहीं ले आओगे, पानी ला सकते हो कि नहीं ला सकते, नहीं तो मैं जा रहा हूं फिर लाने के लिए। वहां पर मेरा इंटेंशन, मेरा एटीट्यूड या मेरा मूड क्या हो सकता है, नहीं आज नहीं खेल रहे यार, कल देखेंगे, कल का भी नहीं पता मुझे। मॉडल्स एक्सप्रेस मूड, मॉडल्स एक्सप्रेस मूड इन इंग्लिश, प्लीज ध्यान रखिएगा। मॉडल वर्ब्स इंग्लिश में आपका नजरिया दिखाती है किसी भी काम को करने का हो सकता है। ये रहा स्पोकन का फ्रैक्शन। सर एग्जाम में क्या नजरिया पता करना, सेंटेंस लिखा है ग्रामेटिकल मिस्टेक फाइंड करनी है, तो जो ग्रामर है वो भी मैं मार्क करूंगा, लेकिन एग्जामिनेशंस में भी इनका वेटेज जरूर होता है, कई एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। फिर वहां क्या नजरिया जज करें, तो आपको मैं कुछ स्टेटमेंट्स कह सकता हूं, देख लीजिएगा। इसी तरह आपके एग्जाम में इनकी एरर्स पूछी जाती हैं। मैंने माना हम में से कई लोग रट तो लेते हैं, जैसे एक फ्रैक्शन आपको याद आए ग्रामर का, यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। कोई माफ कीजिएगा, मैंने पहले कह दिया था, मैं इस वीडियो में सिर्फ ओवरव्यू रखूंगा कि मॉडल्स होती क्या हैं, क्यों पढ़ी जाती हैं और बेसिक्स क्या हो सकते हैं, चाहे वो ग्रामर के हों या फिर स्पोकन के लिए हों। शायद अगर लेंथ अच्छी हुई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्टिंग से यूज ऑफ कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड इस तरह से बात करता जाऊं, तो प्लीज बी पेशेंट, थोड़ा समझिएगा। ग्रामर के लिए हम एग्जाम में, हाँ जी, मॉडल्स क्यों पढ़ते हैं, तो एग्जाम पर्पज से भी इनका वेटेज अपनी जगह पर मौजूद है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, यू ब्लैंक स्पेस नॉट लाइट योर लाइटर हियर, फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पर लाइटर ब्लैंक स्पेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा घर है, तो मैं आपसे मना भी कर सकता हूं, भैया यू शुड नॉट, यार मेरे घर के सामने, अच्छा गाड़ी पार्क करने की बात है, यू ब्लैंक स्पेस नॉट पार्क योर कार हियर बिकॉज मेरा घर है, मेरे घर का फ्रंट है, मेरी गली है, यहां पार्क मत कीजिए गाड़ी। आप बोल भी सकते हैं, सर प्लीज दो मिनट की बात है, मैं वापस आ रहा हूं, बस मुझे सामान देने जाना है। तो मैं आपसे पोलाइटली भी कह सकता हूं, यू शुड नॉट यहां पर गाड़ी पार्क मत कीजिए, यू शुड नॉट। वही किसी अगर एसपी बंगले के सामने या कलेक्टर की ऑफिस के सामने गाड़ी पार्क करने की बात आई, तो मैं आपसे शुड नहीं कहूंगा, यू मस्ट नॉट पार्क योर व्हीकल हियर। अगर लाइटर जलाने की कहीं बात आ जाती है, तो घर में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, वी शुड और वी शुड नॉट एक ही बात है। ये पेट्रोल पंप है, यहां पर आप लाइटर का इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज वो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए जानलेवा हो सकता है। यू शुड नॉट, बिल्कुल नहीं, यू मस्ट नॉट लाइट योर लाइटर हियर, जो भी आप कहना चाहें। तो एग्जामिनेशंस में भी ऐसे स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं। हाँ मैं ये जरूर कह रहा था, सॉरी, कि जैसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल को रटकर तो सब जानते हैं कि फ्यू का इस्तेमाल काउंटेबल के साथ, लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के साथ, फ्यू ना के बराबर, अ फ्यू थोड़ा सा, द फ्यू जितना। सेंटेंस में क्या चाहिए, वो सेंटेंस की नीड होगी। तो एक बार वापस रिवाइज कर दूं, जिस बहाने यहां पर समझा पाऊं कि मेरे पास जरा सी शक्कर थी, अब उसके लिए मुझे लिटिल लिखना है कि अ लिटिल लिखना है, सोच देखिएगा प्लीज। आई हैड ब्लैंक स्पेस शुगर, लिटिल, अ लिटिल दोनों आ सकते हैं। मुझे मार्केट जाना पड़ा, खरीद कर लानी पड़ी, तब जाकर मैं मेहमानों के लिए चाय बना पाया। अगर मुझे मार्केट से शक्कर खरीद कर लानी पड़ी, तो जो मेरे पास थी वो लगभग कुछ नहीं थी, आई हैड लिटिल शुगर, ना के बराबर, क्योंकि मैं अगर दो कप चाय नहीं बना पा रहा तो वो शक्कर कितनी है मेरे पास। मेरे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट, सो आंसर रहा लिटिल, क्योंकि अगले स्टेटमेंट ने आपका नजरिया दिखाया, आपको वो टोन दिखाई, मूड दिखाया, एटीट्यूड दिखाया, जरूरत दिखाई। नया स्टेटमेंट, आई हैड ब्लैंक स्पेस शुगर, मेरे पास बहुत कम शक्कर थी, लेकिन मेहमान आए तो मैंने दो कप चाय बनाकर तो उनको पिला दी। अब यहां मैं लिटिल नहीं लिखूंगा, थोड़ी बहुत थी, कम थी, लेकिन मेरे काम आ गई, आई हैड अ लिटिल शुगर। इन द सेम फॉर्मुलेशन एग्जाम में भी आपकी यही चीजें पूछी जाती हैं। स्टेटमेंट लिखा है कि वो इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकता है, ही मे क्वालिफाई दिस एग्जाम, संभावना है। भैया उसने मैथ्स में मास्टर्स कर रखी है, उस पर डिग्री है इसी चीज की, वो तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। अब मैं मे संभावना नहीं लिखूंगा, ही कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। जितने स्टूडेंट्स के पास ये डिप्लोमा है, डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो आप लोग कैपेबल हैं, यू कैन। अब ये मैं रूल में नहीं रटवाऊंगा, कैन का इस्तेमाल कहां करते हैं, सेंटेंस आपको दिखाएगा। जैसे मैंने पेट्रोल पंप का एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने इन चीजों का एग्जाम्पल दिया, ये पहला मैच है सीरीज का, ये हमें जीतना जरूरी है, वी शुड विन दिस गेम। लेकिन अगर मैं पहला मैच हार भी जाऊं, बाकी चारों मैच जीत जाता हूं, तो भी मैं सीरीज जीत सकता हूं, तो वी शुड विन दिस गेम। एक कंडीशन आती है पांच मैचेस की सीरीज में जब दो से सीरीज लेवल है, लास्ट मैच है, आखिरी मैच है, अब अगर हारे तो सीरीज से बाहर हो जाएंगे।
आई शुड या वी शुड ना वी मस्ट विन दिस गेम एट एनी कॉस्ट, हर कीमत पर यह मैच जीतना हमारे लिए जरूरी है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स में ये स्पोकन भी है एग्जैक्टली और आपके एग्जाम में भी काम आती है। अब यहां पर मैं शुड और ऑट टू नहीं लिखूंगा, वी मस्ट, देश की रक्षा की बात आती है तो वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेशन। तो सेंटेंस दिखाता है कि उसका नजरिया क्या है, उस नजरिए के आधार पर आप उसमें मॉडल पिक करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल कहना चाहूं, फिर थोड़ा ग्रामर पर बढ़ते हैं कि मान लीजिए कहीं स्टेटमेंट लिखा है कि जब मैं घर पहुंचा या जब वो घर पहुंचा ताला टूटा हुआ था। ये भी ये सारे एग्जांपल्स किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जब मैं घर पहुंचा, जब वो घर पहुंचा ताला टूटा हुआ था। Someone may have tried to steal, किसी ने शायद कोशिश की होगी चोरी करने की। तो भैया जब ताला टूटा हुआ है तो शायद कोशिश नहीं की, संभावना नहीं है कि शायद कोशिश की हो या फिर हो सकता है नहीं की हो। ताला क्यों टूटा है? तो someone may नहीं आएगा, ऑप्शन से पिक कीजिए, someone must have tried to steal। must क्यों? पक्का घर का अगर ताला टूटा है तो जरूर किसी ने छेड़छाड़ की है, जरूर किसी ने कोशिश की है। फिर यहां पर आप may नहीं लिखेंगे, फिर आपको वहां पर must ही लिखना होगा। ऐसी कई चीजों के आधार पर कि ये past की आदत है, used to, या पहले हम लोग छोटे थे तो हम लोग भी तैर लेते थे, आजकल आदत नहीं रही तो वहां पर कहना होकर could use करना है। मेरी तरफ से दो लाइन है जो मैं आगे बढ़ाना चाहूं कि मॉडल वर्ब्स इंग्लिश में auxiliaries होती है, of course auxiliary होती है बिकॉज ये अकेली नहीं आ सकती, इसके साथ एक मेन वर्ब और चाहिए किसी जनरल स्टेटमेंट में। अब इसको रूल मत मानिएगा बिकॉज आप जब कहते हैं कि यस आई कैन, सर देखो अकेली कैन आ गई, इसके साथ कोई वर्ब नहीं है, भैया ये किसी का आंसर है, रिपीटेशन है। ऑक्सिलरीज मेन चीज का रिपीटेशन अवॉइड करती है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको शेयर किया। फर्स्ट ग्लेंस में आप किसी से नहीं कह सकते आई कैन, मैं कर सकता हूं, क्या आपको आगे वर्ब दिखानी होगी। लेकिन हाँ, अगर वो आपसे पूछे कि गाड़ी चला लेते हो क्या, यस आई कैन, तो वो गाड़ी चलाने के लिए यस आई कैन है। दो तीन चीजों के साथ कि इंग्लिश में मॉडल्स क्या क्या होती हैं वो हम सब जानते हैं और स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में आपको अपलोड करूंगा। सेकेंड चीज है कि मॉडल्स इंग्लिश में मूड दिखाने का काम करती हैं, नजरिया दिखाने का काम करती हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। वापस कहूं, चाहे वो आपकी स्पोकन या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो। तीसरी और चौथी चीज इंग्लिश में क्या काम आ सकती है वो आप स्लाइड से देखिए कि चाहे वो एग्जाम हो, चाहे हमारी बोलचाल की भाषा हो, मॉडल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका आप विशेष ध्यान रखें एग्जाम के लिए और अपनी स्पोकन के लिए भी। क्या वो दो आप स्लाइड पर देखिए इन दो लाइंस के साथ, जो इनडायरेक्टली एक ही बात है। फर्स्ट, कि मॉडल वर्ब्स अपने सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती। आई रिपीट, साधारण जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं बी डू हैव, ये सब्जेक्ट के चेंज होने पर चेंज हो जाती हैं, या फिर कहिए उनको सेटिस्फाई करती हैं, या फिर टाइम नंबर जेंडर के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। मॉडल वर्ब्स अपने सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती। एक छोटा सा एग्जांपल, इफ आई से ही शुड गो देयर, उसको वहां जाना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी शुड गो देयर, मैंने जेंडर चेंज किया, क्या आप लिखेंगे शी शुड गोज देयर? ना ना ना, गोज नहीं आएगा। अच्छा, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, तब भी सेम स्ट्रक्चर है, ही शुड गो देयर, शी शुड गो देयर, आई शुड गो देयर, अरे हम लोग चलते हैं ना, वी शुड गो देयर, कोई फर्क पड़ा? वी प्लूरल सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हमें जाना चाहिए या फ्यूचर में ले लीजिएगा। तो शुड के साथ आप कुछ भी सब्जेक्ट लिख दीजिए, आई शुड गो देयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ही शुड गो देयर, शी शुड गो देयर, वी शुड गो देयर, रवि शुड गो देयर, मोहन शुड गो देयर, पूरी दुनिया शुड गो देयर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुड गो देयर में कोई चेंज नहीं आता। तो वेरी फर्स्ट थिंग, मॉडल्स के साथ सब्जेक्ट की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, मॉडल्स अपने सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती। और इसी का इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन कह दीजिए, जो रूल की तरह ध्यान रखें, या फिर लॉजिकली मैं एग्जैक्ट आंसर तो आपको नॉन फाइनाइट्स में दे पाऊंगा जब मैं इन्फिनिटिव्स पढ़ाऊंगा। इन्फिनिटिव इंग्लिश में 2+V1 होती है, आप में से जो पढ़े हैं अच्छे से जानते हैं, तो मैं आपको एक लाइन में समझा पाऊं। अदरवाइज ऐसे ध्यान रखिए, तीन रामबाण में आपको पढ़ा चुका, प्रपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं, और आज से चौथा मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कोई V2, ना V3, ना V4, ना ही SES। आई रिपीट, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कभी कोशिश की कि आई कैन डू दिस, चलो ठीक है, अच्छा ही कैन, तो ही के साथ SES आता है, ही गोज टू स्कूल, ही कैन डज दिस अगर कभी होता हो, या शी शुड गोज देयर, सही है, शी शुड गोज देयर, शी शुड गो देयर, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रवि के लिए लिखूं तो मुझे SES नहीं लगानी, या फिर अगर पास्ट में ट्रांसफॉर्म करना हो कि आई कैन डू दिस का पास्ट अगर मुझे बनाना है तो आई कैन डिड दिस हो जाएगा, सर आई कैन डिड दिस, आपको वहां जाना चाहिए तो यू शुड गो देयर का पास्ट हो जाएगा, यू शुड वेंट देयर, सही है, यू शुड वेंट देयर, ऐसा नहीं होता। इस बात को मैंने लास्ट
तीन वीडियोस में समझाया कि आप हेल्पिंग वर्ब हैं, आप मेन वर्ब हैं, तो हेल्प करने का काम आपका है, आप हेल्प कीजिए, जितना सामान टांगता है। कई लोगों के कमेंट्स थे बहुत अच्छे लगी, वो कुली और ड्राइवर वाली लाइन, सामान आप टांग कर चलिए, मेन वर्ब को फ्री रखिए। तो आई कैन डू दिस, अगर आपको पास्ट में ले जाना है तो डू को चेंज ना कर पाएंगे, वो हमेशा V1 रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, रामबाण है। एक काम कीजिए, कैन हेल्पिंग वर्ब है ना, इससे काम करा लेते हैं। कैन का पास्ट कुड हो सकता है, आई कुड डू दिस, लेकिन डू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं को एग्जांपल से देखिए, रामबाण के सहारे मॉडल्स हमेशा V1 फॉलो करती है और मॉडल्स अपने सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती। जरा इन एग्जांपल्स पर नजर डालिए। तो इन्हीं बातों के सहारे दो चीज़ें, वीडियो की लेंथ मैंने देखी तो शायद 20 मिनट्स के आसपास ज़रूर होगी, तो कोशिश करूंगा कि इस बात से अगर टाइम मिला तो इसी वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो से, कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप यूज़ ऑफ कैन कोड, यूज़ ऑफ शैल शुड, मेरे को एक मजाक करने के लिए हमेशा दिमाग में आता है, कैन कोड, शैल शुड, विल वुड, मे मोड, तो मैं वो बोलने वाला था कि मे मोड जो एग्जैक्टली माइट यूज़ करते हैं। चलिए, आई होप सो, आपसे हमेशा की रिक्वेस्ट है, इन दो बेसिक्स का ध्यान रखिए प्लीज़, अगेन एंड अगेन, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी स्पोकन इंग्लिश है, या फिर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, बैंक जैसे एग्जाम में मॉडल वर्ब्स की लगभग कोई गलती नहीं पूछी जाती, एसएससी कभी कभी फिलर्स में से देती है। हाँ, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में जैसे SI के भी कुछ लोग हैं आप में से, MP के भी और बाहर के भी, जैसे कोर्ट का एग्जामिनेशन होता है, वहां पर मॉडल्स को फिलर की तरह जरूर पूछा जाता है, तो वहां आप मूड चेक करें, और जिन एग्जाम्स में स्टैंडर्ड एरर आती हैं, कई बार CGL Tier 2 में आप पाएंगे कि मॉडल के साथ V2 लिख दी जाती है या फिर 2 plus V1 मार्क कर देते हैं, जो इम्पॉसिबल है। तो मैंने वही दो लाइन लिखी हैं छोटे मोटे एग्जांपल से, आप लाइफ लॉन्ग चेक कर लीजिए, कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट मिले जिसमें मॉडल के साथ आपको V1 के बजाय कुछ और लिखा मिले, तो मोस्ट वेलकम, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, पर्सनल विंडो पर भी, या फिर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं। इन दो चीजों के साथ, जो रामबाण भी मैंने आपसे बार बार कहा कि मॉडल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब्स को अपने सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन से आई शुड गो देयर, जैसा बार बार आपसे कहा, मुझे वहां जाना चाहिए। यू शुड गो देयर, ही शुड गो देयर, शी शुड गो देयर, वी शुड गो देयर, रवि शुड गो देयर, मोहन शुड गो देयर, या रवि एंड मोहन शुड गो देयर, मॉडल्स को अपने सब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सिलरी ये भी है, हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वो भी थी तीनों, बी डू हैव, लेकिन उनको अपने सब्जेक्ट से फर्क पड़ता था। अगर मुझे आई लिखना है तो आई एम होता था, अगर मुझे ही यू लिखना है तो यू आर लिखा जाता था, और जैसे ही मैंने यू की जगह शी किया तो आर का इज करना होगा। अच्छा, पास्ट में ट्राई कर लेते हैं, तो पास्ट में तो इज एम आर नहीं आ सकता, या हैव और हैज नहीं आता, या फिर डू नहीं आता, डिड हो जाएगा, हैड हो जाएगा, वॉज वर आता है, शुड का पास्ट होता ही नहीं है, तो आप इसे पास्ट में ट्रांसफॉर्म मॉडल की सहायता से, या फिर इधर कोई चेंज कर लें, गो का वेंट हो जाए, आई शुड वेंट देयर, इम्पॉसिबल। तो पहली रिक्वेस्ट है आपसे, मॉडल्स पर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, मॉडल्स अपने सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर, टाइम, टेंस से इंडिपेंडेंट रहती हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग, इसलिए सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। लेकिन हाँ, मॉडल्स आर फॉलोड बाय V1, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। हाँ, मैंने अभी शायद बोल नहीं पाया, आप में से जो लोग इन्फिनिटिव्स को अच्छी तरह जानते हैं या फिर मेरे सहारे पढ़ेंगे तब, कुछ दिनों में ही, तब तक ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में मॉडल्स के साथ V1 नहीं आती, वो बेयर इन्फिनिटिव है। अब ये बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, ये आप इन्फिनिटिव्स के वीडियो में देखिए, और अगर आप प्रीमियर नहीं देख रहे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, एडवांस्ड सेक्शन में शायद आपको पार्टिसिपल्स, इन्फिनिटिव और सब कुछ मिल जाए, अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप अपलोड करता रहूंगा। बेयर इन्फिनिटिव फॉलो होते हैं, आई रिपीट, मॉडल्स के साथ हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आते हैं, जो लोग जानते हैं जी हाँ, और जो नहीं जानते हैं बहुत जल्द पढ़ेंगे, मॉडल्स आर फॉलोड बाय बेयर इन्फिनिटिव्स, या फिर आप उसे डायरेक्टली कह सकते हैं, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इम्पॉसिबल कोई और फॉर्म आप यूज कर पाए। तो आई कैन डू दिस, छोटा सा एग्जाम्पल है, सही है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ही शुड गोज देयर, अगर मैं शुड को हटा दूं तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज पर आपको SES, V2, V3 कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। ही इज गोइंग देयर चेंज होगी, ही गोज टू स्कूल चेंज हुई, ही वेंट टू स्कूल बिल्कुल चेंज होगी। अगर आप एक मॉडल प्लेस कर देते हैं तो फिर ये इम्पॉसिबल है। तो इंस्टेड ऑफ स्टेटिंग आई शुड या ही शुड गोज देयर, दिस इज इम्पॉसिबल, आपको वही लिखना होगा, ही शुड गो देयर, जो आप भी जानते हैं, बट अपने एग्जाम के लिए एक रामबाण ध्यान रखिए,
मॉडल के साथ अगर V2 V3 है वो स्टेटमेंट गलत है, चाहे दूसरी कोई एरर काउंट हो या फिर ना हो, ये ब्लंडर है। सिमिलरली वी विल टॉक टू हिम, इम्पॉसिबल, विल छोड़िए कुड भी लिखोगे, ऐसा नहीं सर ये पास्ट की बात हो रही है, विल फ्यूचर में क्यों आएगा, आप कुड में लिख लीजिए, वी कुड टॉक टू हिम, इम्पॉसिबल, या वी माइट went there, impossible, we might go there, we would talk to him, या जो आप कहना चाहें। तो यहाँ पर हमेशा आपको V1 लिखनी है, SES, V2, V3 जैसे formulations models के साथ follow नहीं होते। एक बात भी इसी slide के सहारे कह दूं जो कभी काम नहीं आती, लेकिन मेरा फर्ज है मैं बोल देता हूँ कि मॉडल्स को इंग्लिश में कुछ मॉडल्स होती हैं, एक लाइन में तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहा जाता है, ये शब्द अगर किसी ने एडवांस पढ़ा हो तो वो जानते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉडल वो वर्ब होती है जो कभी फॉर्म्स फॉलो नहीं कर पाती, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और पांचों फॉर्मुलेशंस के हिसाब से। जैसे अगर गो को पिक किया जाए तो गो की पांचों फॉर्म्स होती हैं, गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म आईएनजी गोइंग, और पांचवी फॉर्म एसईएस गोज। अपार्ट फ्रॉम दिस आप इसे नॉन फाइनाइट्स में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इन्फिनिटिव टू गो पॉसिबल है, पार्टिसिपल गोइंग और जैरंड गोइंग बिल्कुल पॉसिबल है। आप बी के साथ भी ये काम कर सकते हैं, हैव के साथ भी कर सकते हैं, डू के साथ भी कर सकते हैं, डू डिड डन डूइंग डज, टू डू इन्फिनिटिव, डूइंग पार्टिसिपल एंड डूइंग जैरंड। क्या इनके साथ कभी देखा कि शुड की फर्स्ट फॉर्म शुड है, सेकंड फॉर्म शुडेड, एसीएस लगाकर, क्योंकि गो में एसीएस लग जाती है, बी में एसीएस लग जाती है, हैव में एसीएस लग जाती है, शुड का शुड्स हो जाता है, विल का विल्स हो जाता है, कैन का कैंस हो जाता है, या फिर माइट का माइट्स पॉसिबल है, ना ही इनके नॉन फाइनाइट्स बनते कि टू कैन टी ओ लगाकर, या कैन में आई एन जी लगाकर कैनिंग पार्टिसिपल या जैरंड हो जाए, या फिर शुड का टू शुड हो जाए, या फिर इसकी शुडिंग जैसी कोई फॉर्म बनाई जा सकती है। तो मैं सहारे इसी चीज को कह पाऊं, ये स्लाइड हटाकर कुछ और बोलना चाहूंगा कि इन दो रामबाणों का और ध्यान रखिएगा एक ही चीज में, कि मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और मॉडल्स कभी भी अपने सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती। आप इसे लिखिए, थोड़ा सा और देखते हैं। वीडियो की लेंथ को देखते हुए कि लगभग 25-27 मिनट्स हो चुकी है, तो आशा करता हूं कि मैं इसको यहीं फिनिश करना चाहूंगा, क्योंकि इसी में कैन कोड ऐड करना मेरे लिए ऑकवर्ड होगा। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो आपका इसी का रहेगा, तो उसमें कोई शिकायत नहीं है, ठीक है, एक आध दिन का डिले और सही। यूज ऑफ कैन एंड कोड इन अ सेपरेट वीडियो विद दीज बेसिक्स, यूज ऑफ मे एंड माइट इन सेपरेट वीडियो, यूज ऑफ विल शैल, हर किसी मॉडल वर्ब का एक सेपरेट वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। हाँ, उससे पहले इन चीजों का विशेष ध्यान रखें, कुछ बेसिक्स के साथ आई रिक्वेस्ट यू। मॉडल्स इंग्लिश में मूड दिखाती हैं, किसी काम को करने का नजरिया दिखाती हैं। मैं वहां जा सकता हूं, मुझे वहां जाना चाहिए, मैं वहां जाऊंगा या देखूंगा या जाना चाहिए था, अरे हम लोग तो जाते थे, आई कैन गो देयर, आई शुड गो देयर, आई मस्ट गो देयर, आई यूज्ड टू गो देयर, आई विल गो देयर, आई शैल गो देयर। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दे फॉलो बेयर इन्फिनिटिव, और मॉडल्स के साथ सब्जेक्ट की डिपेंडेंसी नहीं होती, यानी अगर आप आई शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, वी शुड गो देयर, शी शुड गो देयर जैसा कोई भी स्टेटमेंट कहते हैं, तो सब्जेक्ट चेंज करने से, नंबर चेंज करने से, जेंडर चेंज करने से मॉडल्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करना चाहूंगा इन बातों को कहते हुए कि जो आप में से, जैसे पिछले वीक थोड़ी सी बात बोल दूं मैं आपको, पिछले वीक मैंने पूरी फंक्शनल इंग्लिश अपलोड की, बिकॉज बहुत सारी कमेंट्स आती थी स्टूडेंट्स की, सर मेरा स्टेनो का एग्जाम है, मैक्सिमम मेरा ये एग्जाम है, मेरा वो एग्जाम है, कुछ ये पढ़ा दीजिए, पेमेंट मैंने आपसे नहीं लिया है, ये बात मुझे बार बार ना कहना पड़े, फिर भी मैंने आपके लिए आरसीज और वीडियोज और ये सब अपलोड किए पूरा वीक देकर, जिसमें कई लोगों ने लिखा आप ग्रामर को पढ़ाएंगे, फाइन, लेकिन उनका भी मुझे रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, तो फिर मैंने कुछ लिखा था कल, माफ कीजिएगा उसके लिए, और लेकिन हाँ वो लिखने के बाद मुझे आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा लगा। मैं अपना मोमेंटम रखूंगा, लेकिन थोड़ा अच्छा बुरा दोनों लगते हैं कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ बिना पेमेंट के आपसे, तो एटलीस्ट मुझे उसके रिजल्ट में दिखे कि मुझे लोग देख रहे हैं, तो मुझे वो मेहनत करना जरूर अच्छा लगेगा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको इन्हीं सम टर्म्स के लिए मार्क करना चाहूंगा, जिनको फंक्शनल इंग्लिश चाहिए, पैराजम्बल्स, आरसी, क्लोज टेस्ट, मैं इनके लिए 2-4 वीडियोस अपलोड कर दूंगा या कर चुका हूं, और आप वो प्लेलिस्ट से वहां से देख लीजिए, बेसिक्स वो काफी है, बाकी जरा इसको फिनिश करने दीजिए, आगे उन चीजों को भी आगे देख लेंगे, लेकिन हाँ आपका सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्द उनको फिनिश करना चाहूंगा। कपल ऑफ नोटिफिकेशंस के साथ कि म्यूजिक का शौक है, आप मेरा सेपरेट चैनल है कपिल म्यूजिक बॉय, देखकर वहां से थोड़ा बहुत एंटरटेन हो सकते हैं, कुछ सॉन्ग्स वहां पर होंगे। अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर हूं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और हाँ, किसी भी कोर्स को परचेज करने से पहले आप मेरा रेफरल कोड
कपिल सर KAPILSIR यूज करके फ्लैट 10% डिस्काउंट पा सकते हैं, चाहे वो UPSC, NDA, डिफेंस, एयरफोर्स, बैंक, SSC, नेवी, किसी भी स्ट्रीम के लिए क्यों ना हो। एक बार चेक कीजिए Unacademy, India's लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। बैंकिंग के हैं तो बस आपसे वही मिलते हैं, बैंकिंग पर मैं प्लस एजुकेटर हूँ। फिनिशिंग दिस वीडियो हियर, वुड लव टू सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो फॉर द यूसेज ऑफ कैन कोड या फिर MemIT या फिर कुछ भी, और स्टेप बाय स्टेप ग्रामर आपको अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, दिस इज कपिलदेव शर्मा, ऑलवेज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय कपिलदेव शर्मा। थैंक यू।